हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्वयं क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके जो है साइंस के मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों का कमेंट्स आया था, बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए थे, अरे वाओ सर मॉडल पेपर आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, मॉडल पेपर कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। जैसा कि फिजिक्स में जो है हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, एक चैप्टर आपका बचा है ऊर्जा के स्रोत, तो वो भी पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, और तो जब चैप्टर हमने पढ़ ही रखा है तो जरा एक बार दर्शन कर लेते हैं मॉडल पेपर की, यानी पेपर जो है आपके बोर्ड एग्जाम के किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल पेपर बनता है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनता है। ठीक है, बस आपको चीज़ें जो है वो थोड़ा अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखिए, हमें किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है और किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, और एक बार जो हमने आपका वीडियो बनाया था कि अक्टूबर से पढ़कर साइंस में 95 प्लस कैसे स्कोर करें, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, वहां से आप देख लीजिए। वहां पर मैंने आपको हर एक सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछा जाता है, 25 नंबर का क्वेश्चन आपके बायो से पूछा जाता है, और 20 नंबर का क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें कितने बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, कितने लघु उत्तरीय और कितने दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में आपको समझाया था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जो है सेक्शन हमारा है बहुविकल्पीय का। बहुविकल्पीय में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की आवर्धन होता है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो भैया, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ भी मैं आपको डायरेक्टली यहां रटाने वाला काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये नहीं है कि वो विकल्पीय का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर बताते चले, ऐसा नहीं है। चीजें समझो, ठीक है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो चीजें आप समझो, रटो बाद में। ठीक है, यहां तक कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो अगर आवर्धन पूछ रहा है तो आवर्धन का फार्मूला अगर आपको याद हो तो आवर्धन एम इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आवर्धन, ठीक है, चाक ले लेता हूं, ठीक है, व्हाइट चाक ले लें ज्यादा सही रहेगा, कलर में थोड़ा सा दिक्कत होगा, दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो रे निकल जाओ भाई। चलिए, आवर्धन एम इक्वल टू क्या फार्मूला बताया गया था, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या ऊंचाई को आप लंबाई भी लिख सकते हो। ठीक है, वस्तु की लंबाई या ब्रैकेट में ऊंचाई लिख सकते हो। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब बात कर रहा समतल दर्पण की। समतल दर्पण यार तुम लोग डेली देखते होगे, अरे जो घर में लगा हुआ घर के शीशे के सामने ऐसे खड़े हो जाते हो तो क्या होता है, वो समतल दर्पण तो होता है। अब बताओ उसमें तुम्हारे प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में बनती है वो तुम्हारे जितना ही बनता है या तुमसे बड़ा बनता है, यही सोचने वाली बात है, तुम्हारे जितना ही बनता है या तुमसे बड़ा बनता है। तो भाई समतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु रखी है तो उसकी प्रतिबिंब उतना ही बनेगा। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही बड़ी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब भी बनेगा। तो समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए वस्तु की लंबाई बराबर किसके होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों जब बराबर होते हैं तो, दोनों जब बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, 1। ठीक है, समझ गए, चलिए अच्छी बात है, कि भाई अगर हम डायरेक्टली बता देते 1 तो काफी लोगों के मन में सवाल रहता, अरे 1 कैसे, 1 कैसे। तो चीजें समझो, रटने का काम नहीं। ठीक है, तो मॉडल पेपर जैसे कि हम आपको करवा रहे हैं तो बिल्कुल टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पेपर
अच्छे से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे सिलेबस टाइमली पूरा हो गया है तो अब एग्ज़ाम तक पता नहीं कितने हम आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, कुछ पता नहीं है, कम से कम 10 तो करवाएंगे ही, ठीक है, सही रहेगा ना, या और करवाया जाए? नहीं, 10 आई थिंक पर्याप्त रहेगा ना। चलो सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो चार इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपके ऑप्शन में है बैंगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का और लाल रंग का, ठीक है। तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है। तो भाई अगर हम प्रिज्म की बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अगर कोई प्रिज्म है, ठीक है, इस पर अगर हमारी श्वेत प्रकाश पड़ रही, कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश, ठीक है। तो इसका विचलन कुछ इस तरीके से होता है, सबसे नीचे ठीक है सात रंगों में ये टूटता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सबसे ऊपर होता है ये आपका लाल रंग होता है, ठीक है, और जो सबसे नीचे होता है ये आपका बैंगनी रंग का होता है। तो अब अगर फिगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप देखकर समझ सकते हैं कि प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है, यानी कौन सबसे ज्यादा डाइवर्ज किया गया है? बैंगनी रंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है ये क्या होती है? सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की, ठीक है। तो अब जब इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो इसकी चाल सबसे कम होगी, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी चाल भी जो है वो क्या हो जाएगी? कम होगी, और इसकी चाल क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी चाल भी हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब देखो भाई, सिंपल सा आप व्यवहारिक एग्जाम्पल जानते हैं, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो अगर आप थोड़ी स्पीड में हैं तो आप बिल्कुल सीधे चलेंगे, लेकिन अगर आप स्पीड अपनी घटा दें और धीरे धीरे चलाने की कोशिश करें, तो आप सीधा चलाने की कोशिश करें लेकिन आपसे साइकिल सीधी चलने वाली नहीं, हमेशा जिग जैग, ठीक है। तो उसी तरीके से है, क्योंकि ज़्यादा डाइवर्जन होने का मतलब है कि इसकी चाल जो है वो सबसे कम होती, इसीलिए इसका विचलन जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 सही होगा, बैंगनी रंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई, आपको आई थिंक मजा तो आ रहा होगा क्योंकि वाह, मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जा रहा, और कहीं तो आपको मॉडल पेपर करवाया नहीं जा रहा होगा, खैर अभी और कहीं तो आपका सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ होगा, तो मॉडल पेपर क्या करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर देखिए आप कहीं से भी पढ़िए, मुझसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप शुभम क्लासेस से पढ़ रहे हैं, यानी कि मुझसे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो पर्टिकुलर आप मुझी को ही फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर किसी एक को फॉलो करेगा तो जो उसकी स्ट्रेटजी होगी या जो भी वो तरीका होगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप कई का फॉलो करेंगे या कई की वीडियो देंगे, कई किताबें देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। इससे बेटर ऑप्शन यही है कि किसी एक को फॉलो करो, वो जैसा जैसा करवाता है। लेकिन हाँ, अब किसी एक को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि कोई जो है आपको ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा तो उसी को जो उसी का वीडियो आप फॉलो करने लगो। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से देखकर जो है समझिए कि कौन हमको अच्छे से समझा रहा है, कौन चीज़ों को पढ़ा रहा है, ठीक है, और कौन जो है ऐसा है कि जो हमारा सिलेबस टाइम से पूरा करा देगा और तैयारी भी करवा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है देखकर जो है आप लोग वीडियो फॉलो किया करो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताप बढ़ाने पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अपरिवर्तित रहेगा, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है घटता है, और चौथा ऑप्शन है कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है। तो भाई अगर हम किसी भी चालक तार का टेम्परेचर बढ़ाएं, क्या करें उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एल बाई ए के। तो जैसे मान लो ये हमारा कोई
चालक तार है दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम गर्म करते हैं यानी इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, इस चालक तार की जो मोटाई है वो कम हो जाएगी और जो इसकी लंबाई है थोड़ा सा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये चालक तार कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस चालक तार की लंबाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी लंबाई, एल प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एरिया है यानी ये चीज क्षेत्रफल इसका, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ए माइनस डेल्टा ए हो जाएगा। तो अब यहां पे आ जाओ, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो लंबाई बढ़ गई, यानी ऊपर वाली वैल्यू आपकी ज्यादा हो गई, नीचे वाली वैल्यू आपकी कम हो गई। पहले अगर मान लो ऊपर लंबाई 10 रहा हो और नीचे ये क्षेत्रफल हमारा 2 रहा हो, तो भाग करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब लंबाई बढ़कर 10 से कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। लंबाई बढ़ गई भाई, कितनी बढ़ गई, 10 थी, 10 से बढ़कर 12 हो गई, और ये चीज घट गया, ये चीज क्या हो गया, घट गया। अब घट कर कितना हो गया भाई, 2 था, 2 से हमने मान लिया घटकर हो गया 1.5, कितना हो गया 1.5। तो अब इसको सॉल्व करूं, 12/1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 3/2, 2 आपका चला जाएगा ऊपर, तो 12 × 2 और बटे 3, 3 × 3, 3 × 4, 12 निकल कर कितना आया, 8, ठीक है। तो यानी जब आपकी लंबाई बढ़ रही है और क्षेत्रफल आपका घट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आर आपका क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा ना, बढ़ रहा ना, और आर है क्या, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। तो यानी ताप बढ़ाने पर कोई भी चालक तार हो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टी के, ठीक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, देखिए भाई बढ़ता है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो किसी भी चालक तार का अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ओके। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। कोई भी चीज रटो नहीं, उसके पीछे क्या फिजिक्स चल रही है, क्या चल रहा है उसको समझो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, जो कि जो है बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भाई स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हमें तो यहां से देखना पड़ेगा, ठीक है। बेबर किस राशि का मात्रक है, अब पूछ रहा है आपसे बेबर, क्या पूछ रहा है, बेबर किस राशि का मात्रक है। तो भैया साफ साफ आपको जो है विद्युत धारा वाले चैप्टर में, नहीं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, उस चैप्टर में आपको साफ साफ बताया गया है कि बेबर जो है ये किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का। तो चुंबकीय फ्लक्स ऑप्शन में दिया है कहीं, हाँ, पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स, तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और फिर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो चलिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय की तरफ, यानी 2 नंबर वाले प्रश्न की तरफ, ठीक है। 1 नंबर वाला हमने कर लिया, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि ठीक है मॉडल पेपर समझाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है, और थोड़ी एनालिसिस भी करनी पड़ती है कि जिस मॉडल पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन का जवाब हमको भी पता होना चाहिए, तभी ना हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अति लघु उत्तरीय की बात करते हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय तो आपका हो गया, अति लघु उत्तरीय यानी कि जो आपके 2 अंक के प्रश्न हैं। तो देखिए भाई 2 अंक वाले में, 2 अंक वाले में सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अरे भाई आपको बताया गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को अगर आर से हम डिनोट करते हैं, तो इसकी फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से,
और इन दोनों में क्या संबंध है? फोकस दूरी एफ इजकल टू वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी जो है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब ये आपको ऐसे ही डायरेक्ट दो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे ही लिख दोगे तो एक नंबर या आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो आप लोग जो है चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन खोलिए, वहां पर इसको बहुत ही अच्छे से इसका प्रूफ करवाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ख, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति के आंख में कौन सा दोष है। वाह क्या क्वेश्चन है। तो ये भाई मानो ने तथा रंग बिरंगा संसार का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ है तो बताइए उस व्यक्ति को कौन सा दोष होगा, ठीक है। तो अगर व्यक्ति के आंख में दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, क्या है? दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए ही उत्तल लेंस आपका प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के आंख में या उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ है तो समझ जाओ उसको कौन सा दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा देख लेता हूं, कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है। आई थिंक कंफर्म है, चलो। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक ठीक, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, सही है। तो व्यक्ति के आंख में कौन सी दृष्टि दोष है? उत्तल लेंस अगर लगा है तो दूरदृष्टि दोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। चलिए भाई अब देखिए एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे पता आपको दिक्कत होगी क्योंकि न्यूमेरिकल है, इसको हम पूरा सॉल्व करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर गा है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या निकालनी है। क्वेश्चन सीधा सीधा यही है, थोड़ा सा क्या किया है, कान को ऐसे पकड़ने के बजाय क्या किया है, ऐसे पकड़ा, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के, तो समझो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आवेश का मान कितना दिया है, एक कूलाम, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या दिया हुआ, एक कूलाम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एन बराबर निकालना है, और ई बराबर हम जानते हैं, कितना जानते हैं, बहुत जानने लगे हो ना आजकल, 1.6 और गुणे 10^-19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इतना तो जानते ही, हर कोई जानता, तो चलो वैल्यू रखते हैं। तो यहां से भाई n बराबर क्या हो जाएगा, q बाई e, अरे e को भेज दो दूसरी साइड, पार्टी बदल दो e की, ठीक है। तो जब पार्टी बदलता है तो क्या हो जाएगा, साइन भी तो बदल जाता है। अब पता चला आप भाजपा से सपा में जा रहे हो तो भाजपा का सिंबल क्या, कमल, और सपा का साइकिल, तो जब आप पार्टी बदले तो आपका चिन्ह भी क्या हो गया, बदल गया। ठीक उसी तरीके से ये इस पार्टी में थे, इनको हमने दूसरी पार्टी में भेज दिया, यहाँ ये गुड़े में थे, इधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो n की वैल्यू निकालने के लिए q का मान कितना दिया है, एक कूलाम बटे e का मान 1.6 और गुड़े में 10^-19, ठीक है। तो अब 10^-19 ऊपर भेजोगे तो ये नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 × 10^19 और बटे 1.6। अब 1 में 1.6 से भाग लगा लो, ठीक है, 1 में 1.6 से क्या करो, भाग लगा लो। तो चलो भाई भाग लगाते हैं, ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 1.6, ठीक है। अब यहां 0 बढ़ा लेते हैं, यहां 0 आ गया, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 10 हो गया ना, अब ये 16 हो गया, अभी भी भाग नहीं जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। तो 1 जब 0 बढ़ाएंगे तो यहां पे 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 16, या देखो सबसे बड़ी बात, पहले 0.1 को हटा लो, तो जब 0.1 को हटाओगे 10 से ऊपर नीचे हमें क्या करना होगा,
गुणा करना होगा तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ऊपर 10 हो गया, नीचे कितना हो गया 16। यानी कि अब 10 में जो है हमें क्या करना है, 16 से भाग लगाना है, ठीक है। तो 10 में किससे भाग लगाना है, 16 से, ठीक है। तो 10 ये रहा आपका 10 और इधर हो गया आपका कितना 16, बाय 10 में 16 का भाग जाएगा, नहीं तो दशमलव लगाए, दशमलव लगाए तो 0 आ गया, कितनी बढ़ जाएगा 16 छक्का 96, ठीक है। 16 छक्का 96 होता है तो आएगा कितना आपका 4। अब दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 अपने आप आ जाएगा, 16 दूनी 32 कितना आ गया 8, 16 पंचे 80 कितना भाग करने पर आ गया 0.625 और गुणे 10 की घात +19, 0.1 अंक आगे से पीछे खसका दो तो पावर क्या हो जाएगी, 1 घट जाएगी। तो 1 अंक खिसका देते हैं, 6.25 गुणे 10 की घात 19 में से 1 घटा लो, कितना हो जाएगा 18। तो 6.25 और गुणे 10 घात 18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यही आपकी क्या है, एन की वैल्यू है, 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलिए समझ में आया, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अब हम लोग बढ़ रहे हैं लघु उत्तरीय की तरफ। चलो लघु उत्तरीय में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन में अथवा अथवा दिया हुआ है, तो चाहे इसको करो चाहे उसको करो, जो आपको आता हो वही करो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल ही करना है। लघु उत्तरीय ये भाई आपके हैं 4 अंक का, ठीक है, कितने का है 4 अंक का है। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालो। इसमें कह रहा है जो प्रतिबिंब यानी इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एच डैश से। ये किसका है, जो वस्तु है उसकी आधी मिल रही है, कितना h/2, कितना h/2, और आपसे पूछा है दर्पण की फोकस दूरी निकालो, ठीक है। तो भाई कैसे निकलेगा, दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या फार्मूला जानते हैं, 1/f=1/ab+1/u, यही तो फार्मूला हम जानते हैं। अब इस फार्मूले में हमको क्या चाहिए, b चाहिए, u चाहिए, तब ना निकलेगा। लेकिन एक ही चीज दिया, क्या दिया, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यानी u = कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण आपका होता कैसे है, कैसे होता, ठीक है, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। अब देखो भाई, चिन्ह परिपाटी का नियम इसमें लगाएंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि दूरी हमारी बाएं साइड है, दर्पण के बाएं साइड है, ठीक है। तो दर्पण के बाएं साइड की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये तो मिल गया, लेकिन अभी हमको क्या नहीं मिला है, b नहीं मिला है। तो b जो है यहां से मिलेगा, हम क्या जानते हैं, फिर आगे हम जानते हैं, हमने कहा ना हम लोग बहुत जानते हैं, ठीक है। तो आवर्धन m = क्या होता है, h'/h = b/u, ठीक है, ये आवर्धन का फार्मूला होता है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात, हमने कहा भी था बहुत जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर यहां पे आपको चिन्ह परिपाटी का नियम लगाना है तो यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसकी वैल्यू हमें देखो दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, एच डैश की जगह क्या रख सकते हैं, h/2, तो एच डैश की जगह h/2 रख लिया गया, और बटे में कितना है एच, बराबर माइनस b/u, कितना है माइनस का 25,
ठीक है भाई। इस एच से ये एच कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या, वन बाई टू, ठीक है, क्या बचा, एक बटे के दो, बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस बी बटे पच्चीस। फिर पार्टी बदल लो या तिरछा गुणा कर दो, इसका इधर और उसका इधर, ठीक है, या सीधे पार्टी ये बदल दो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम पार्टी बदल देते हैं, इधर ये भाग में, दूसरी साइड आएंगे गुणे में हो जाएंगे, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बटे दो गुणे पच्चीस, ठीक है, एक बटे दो गुणे पच्चीस। तो वी इक्वल टू कितना आ गया, पच्चीस बटे दो, मत करो भाग भाग यार, अभी लास्ट में देखो खटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहीं भाग भाग कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दशमलव शमलव में आएगा तो मत करो, ऐसे ही रहने दो। चलो U मिल गया, B मिल गया, ये रहा फार्मूला, वैल्यू रखो 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 रखो, वन बाई एफ इजकल टू वन बाई वी, वी की जगह कितना है, पच्चीस बटे दो, पच्चीस बटे दो प्लस वन अपान U, U की वैल्यू कितनी है, माइनस पच्चीस, कितनी है, माइनस पच्चीस, ये चले गए ऊपर, ये दो क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो वन बाई एफ इजकल टू कितना आ गया, दो बटे का पच्चीस, और यहां बीच में लग गया माइनस एक बट्टी का पच्चीस, ठीक है। अब भाई देखो हर दोनों का बराबर है तो अंश आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बीच में माइनस है तो दो में से एक गया एक, तो वन बाई एफ इजकल टू एक बट्टे पच्चीस, एक बट्टे पच्चीस, तो एफ इजकल टू कितना आ गया, पच्चीस सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी फोकस दूरी निकल आई है, ठीक है। तो देखिए भाई बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में अथवा करके पूछा है भाई, अगर जिसको न्यूमेरिकल पसंद नहीं हो, गुणा भाग करना नहीं समझ में आता हो, तो देखो सबसे पहले दिया है कि मनुष्य की आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, स्वस्थ आंख के लिए इसका मान बताइए, ठीक है। मनुष्य के आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है, ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, स्वस्थ आंख के लिए इसके मान बताना है भाई। 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु है ना स्वस्थ आंख के लिए, कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के हमको पढ़ना है। चलो खैर ये तो थेरी वाला है, तो जिसको भाई न्यूमेरिकल नहीं पसंद है वो थेरी कर सकता है, नंबर आपको वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि तार में कुछ देर तक धारा प्रवाहित करने पर तार का ताप 3 अंश सेल्सियस बढ़ जाता है, यदि धारा का मान दोगुना कर दें तो उतनी ही देर में ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा करके, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है, किरण आरेख दोहरा समझाइए, ठीक है। तो देखिए भाई मैक्सवेल का क्या है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, तो भाई जिनको न्यूमेरिकल नहीं पसंद है, चलो एक तो हमने न्यूमेरिकल करवा दिया, अब जिसको न्यूमेरिकल नहीं पसंद उसके लिए हम एक जो है थ्योरी का भी करवा दे रहे हैं, कैसे आपको थ्योरियां लिखनी है, किरण आरेख द्वारा बकायदे अच्छे से बताना है। तो यार हम तो यार थोड़ा सा क्या है, आर्ट हमारा कमजोर है, तो पेंच बनाने जा रहे हैं भाई, हंसना नहीं, ठीक है, जैसा भी बन जाएगा यार, आप लोग हंसिएगा नहीं, ठीक है, हमको जो है थोड़ी सी आर्ट हमारी वीक है, तो जैसा भी बन जाएगा बनने दीजिएगा, हंसना होगा तो यार बाद में हंस लेना, ठीक है, अभी मत हंसना। हमको लगता है इसी तरीके से कुछ पेंच होता है और इसमें जो है ऐसे इसे क्या होता है, ऐसे खांचे बने होते हैं ना, ऐसे तो होता है। अब भाई जिसको और अच्छे से पता होगा और अच्छे से बनाएगा, हमको फिर हल ऐसे ही पता है तो हम ऐसे ही बना रहे हैं। हाँ चलो बन गया। तो अब देखो पेंच का क्या नियम है, जो पेंच का नियम है इससे हम लोग क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है,
तो पेन से क्या निकाला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो भाई ये देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं कि अगर कोई चालक तार है, ये हमारा चालक तार है, अगर इस चालक तार में हमारी क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारा आई क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसको निकालने के लिए किसका नियम है, ये मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम को कैसे अप्लाई किया जाता है। यदि हम पेंच की नोक को धारा की दिशा में, ठीक है, यदि हम पेंच की नोक को क्या करें, धारा की दिशा में ऐसे रखें, तो इस चालक तार के चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो पेंच को घुमाने की दिशा में, पेंच को कैसे कसते हो, ऐसे ना कसते हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो जो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो पेंच को घुमाने की दिशा में होगी, यानी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, ठीक है, ये इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो समझ में आ गया, यही आपके मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है, इसी को आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है। भाई इसको थोड़ा सुंदर से फिगर बनाइएगा पेंसिल वेंसिल लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपका आता है विस्तृत उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय हो गया। चलिए विस्तृत उत्तरीय देख लिया जाए, विस्तृत उत्तरीय में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विस्तृत उत्तरीय। तो भाई आपके मॉडल पेपर एक ही करा के बंद करें कि एक आध दो और करवा दें, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जैसा आप लोगों की इच्छा होगी वैसा हम कर देंगे। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि एक आध दो और करवा दें तो एक आध दो हम और करवा देंगे, नहीं चाह रहे हो तो बस यही बंद किया जाएगा। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है रेखीय आवर्धन, देखो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से देखो, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है, सात नंबर का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र m बराबर जो अभी अभी हमने यूज किया था माइनस बी बाई यू, इसको क्या करना है, निगमित करना है, ठीक है, इसका निगमन करना है। तो भैया रेखीय आवर्धन वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ये रेखीय आवर्धन की परिभाषा हो गई है, और इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, इसको भी हमने आपको प्रूफ करवाया है, आप जो है लेक्चर में देख सकते हैं, आपका लेक्चर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ऐप पर भी अपडेट कर दिया गया है। अगर आपको YouTube पे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप भैया जो शुभम क्लासेस का ऐप हमने डाउनलोड करवाया है वहाँ पर आप देख लीजिए, वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसी में अथवा करके पूछा है, अगर भाई डेरिवेशन में किसी को कोई दिक्कत आ रही तो देखो थ्योरी नीचे दिया हुआ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए और बताइए कि प्रेरित धारा की दिशा कैसे निकाली जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जो हमने पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपसे, उसी पांच में से एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो सात नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर पूरी तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। बाकी जो चीजें डिटेल में आपको, जैसे देखिए हिंट हमने दे दिया, क्योंकि भाई देखिए पूरा हम आपको पेपर करवाएंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ऐसे ही सॉल्व करवाएंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा आप अपने से तैयार करिए, ठीक है, फिर ए टू जेड सब करवाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर और आप चाहते हो कि एक आध दो मॉडल पेपर हम और करवा दें तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।